और ये तो खैर हुआ ना 21,000 रुपये का लॉस, अभी पता नहीं क्या होने वाला पाकिस्तान का, बहुत बहुत बुरे हालात हैं भाई। 40 mm में मेन ये हंसदा भरे मुंडा रोड का पूरा ट्रक मंगवा लिया, ये सारी कटराइज की हो गई है और माशाल्लाह पेन हो रही थी काफी देर से। अस्सलाम वालेकुम, मैं डायरेक्ट सीधा मकान पे आ चुका हूँ। आप यकीन कह रहे हैं आज ब्लॉग बनाने का मेरा दिल नहीं कर रहा, आते हुए ना कुछ चीजों का मैं कुछ चीजों के मैं रेट लेके आया हूँ, मैंने आज परचेज करनी थी। एक दिन का बस गैप पड़ा और एक दिन के गैप में मुझे कितना लॉस हुआ जी, मैंने अभी सारा अकाउंट किया तकरीबन 21,000 रुपये का, और ये तो खैर हुआ ना 21,000 रुपये का लॉस अभी, और अगर 15 दिन पीछे चला जाऊँ तो 21 वो और 21 ये नहीं, पीछे चला जाऊँ तो तकरीबन 30 और 50,000 रुपये का मुझे अभी लॉस हुआ है जी। एक दिन का जब गैप डला है, मैंने कल लाना था, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत तो मेरी खैर आज भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आ गया हूँ साइड पे, तो मैंने लेनी थी बेसिकली तार, जो जीएम केबल होती है ना, मैंने केबल आज लेनी थी, तो केबल का भाई रेट अगेन कल बढ़ चुका है, 3300 रुपये से स्टार्ट हुआ है और आज का जो रेट है ना वो है 4300, मतलब कि 4300 रुपया आज का रेट है सिर्फ 329 केबल जो कि छोटी केबल है। यार पता नहीं क्या होने वाला पाकिस्तान का, बहुत बहुत बुरे हालात हैं भाई। दिन रात एक एक चीज़ डेली की प्राइसेस ज़्यादा हो रही है। खैर प्लम्बर का काम है बहुत ज़्यादा हद तक हो चुका हुआ है, नीचे वाला फ्लोर है वो हो गया क्लियर, अभी आपको सब दिखाते भी हैं। ये चेक करें जी, ये वॉशरूम है अंदर का, लगाना गीज़र ही तो उसके पॉइंट है, बाकी देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह गेट वाल लगा रहे हैं, हर जगह पे उसको मैं कहीं से भी उसको मैं पानी रोक सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ, हर वॉशरूम का किचन का सेपरेट कनेक्शन हो रहा है, किचन का कनेक्शन है चेक करें। और ये देखें मेन जो मेरी नाली है ना वो ये है जी, 40 mm मैं मेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, काफ़ी मोटा पाइप है, समझ रहे हो प्रेशर बहुत स्पीड से आएगा नीचे पानी का, ये चेक करें, ये देखिए इधर नीचे वाला एरिया तो खैर सारा हो चुका है क्लियर, और ये है जी सारा कनेक्शन उसका, गीज़र बढ़ेगा, ये बड़े गीज़र का सारा कनेक्शन वगैरह है, यहाँ पे जो हमारा जो फर्श बनने का ये सारा उसका है, टैप वगैरह बनेंगे इसी यहाँ पे, और अभी चलते हैं अंदर, प्लस्तर भी नीचे हो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका, बस वाशरूम्स रह गए थे उधर सर कर रहे हैं क्लियर। ये जी किचन, किचन का भी सारा प्लम्बर हो गया क्लियर, अभी चलते हैं जी ऊपर, और सारी लेबर लगी है ऊपर, और जो इलेक्ट्रिशियन है वो भी आया हुआ है, बाकी तो ये सारा अंदर प्लस्तर हो गया हुआ, ये तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग्स में मैंने आपने देखा ही होगा, बाहर वाली की भी एक दीवार होगी, ये हमारा ड्राइंग रूम है ये भी क्लियर हो चुका हुआ है जी, सारा खिड़की शिड़की बस लगनी है। अरे खावर भाई ने, हाँ जी जनाब की हाल है, ठीक ठाक हो, सब खैर है, ये जी हमारे खावर भाई हैं, इन्होंने मुझे लगाया हो जी आगे, बहुत मुझे डरा रहे हैं, एक तो मुझे डरा रहे हैं जी आज सुबह के जो रेट है ना वो इतने भर, ये हंसदा भरे मुंडा उन पका के बह गई सुबह से मैं आया हूँ, बंदा मुझे मुसलसल डरा रहा है, ये चीज़ें कर लो इस तरह हो जाएगा, ये कर ले इस तरह हो जाएगा, इस कितना मासूम बन के माशाल्लाह ना, अल्लाह पाक भाई नज़र ना लगा, हम जाना किधर है, पैप लैन देखो जी, देखो जी ए नहीं कहता कि मैं 2 मिनट आराम ना भैया, सुबह ये मैं टेंशन दे रहा है, बस पाइप हमारे पड़ गए जी कम, और भी हम पाइप लेने के लिए आए हैं यहाँ पे, ये पाइप वाले भाई ने भी हमें डरा दिया, अरे भाई 10 रुपये फी पाइप भर चुका है मैं सामान लेके आया हूँ, पाइप शाइप लेके आए, और जिस तकरीबन 5 दिन पहले जिस रेट पे हम पाइप लेके आए थे ना, जिस प्राइस में, उस प्राइस में हमें दोबारा पाइप नहीं मिला, उस प्राइस से तकरीबन 10 रुपये मुझे महंगा पाइप मिला, मतलब कि भाई दिन रात का, वो तो खैर बात दूर की है, अभी 2 दिन पहले मैंने वायर का रेट लिया था तो वो था 4100 रुपया, और आज जब मैंने वायर का जब मैंने प्राइस पूछी है वायर की तो वो मुझे प्राइस मिली है जी तकरीबन 4380 रुपये। यहाँ पे सारा पानी छोड़ा हुआ है, पानी खड़ा किया हुआ है यहाँ पे, तो अभी चलते हैं नीचे, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल आ चुका है जी, इधर आ गई हैं टाइलें जो ऊपर लगनी है टाइलें, एक गोपी रिक्शा है, एक ये रिक्शा है, एक वो रिक्शा खड़ा हुआ है, एक रिक्शा पीछे आ रहा है, और अभी हमारी आ गई है जी रोड़ी जो डालनी है जी हमने खरी गैराज में गली में,
क्योंकि मैंने ट्रक ही मंगवा लिया रोड का पूरा ट्रक मंगवा लिया ताकि इसकी कटाई अपनी आंखों के सामने करवाएंगे, वो कटाई भी होगी ब्रेक ब्रेक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो भाई से मैं ले रहा था ना रोड जो ले रहा था वो मुझे मिल रहा था महंगा, और महंगा भी मिल रहा था एक था भी कम। तो फिर मैंने कहा जी भाई साहब क्या भाई साहब, कहने यार फिर ले लिए। मैं भाई साहब छोड़ो ये ना, ये जो जिससे सारी मैंने इस पूरे घर की जिसे मैंने ईंट ली है ना, ये बंदा भाई बहुत नाइस है। मैं इसे मुझे बोल रहा कि जब चाहिए होगा ना रोड तो मुझे बताएं। तो फिर मेरे जहन में आया, मैंने इसको किया कॉल, मैंने कहा यार मुझे रोड चाहिए, कहता मिल जाएगा। मैं क्या रेट कह फला फला, मैं कहने कहते यार मैं इसे मुझे बोला कि भाई मैं ट्रक भेज जाएगा, जो तेरा दिल करेगा दे दी। मज़ा आया। मैं कहता फिर तू ट्रक ही भेज, क्योंकि मुझे ऊपर भी जरूरत है, लेकिन ये है कि सारा एक ही दफ़ा काम हो जाएगा। और कम से कम इसके अंदर 7 सैंकड़े होती है, मुझे चाहिए 5 सैंकड़े। 2 सैंकड़े जो होगी ना वो मैं डाल दूंगा ऊपर कमरों में, और कुछ जो मेरे जो पूरे घर में निकला आधा रोड़ा जो निकली ईंट ख़राब निकली है उसका भी मैंने उसकी कटाई करवाऊँगा, वो भी तकरीबन काफ़ी बन जाएगी। मतलब मुझे रोड़ी की टेंशन नहीं है। ये भी पड़ी हुई है, पत्थर पत्थर पड़ा हुआ है जिसको मैंने कटवाना है, और ये भी पत्थर पड़ा हुआ है जिसको मैंने कटवाना है। कुछ पत्थर आगे अंदर पड़ा हुआ वो खैर भाई साहब ऊपर छत पे शिफ्ट कर रहे हैं। ये सारी कटाई स्टाइज की हो गई है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी कटाई की है यार, बहुत बुरी कटाई है यार माशाल्लाह। बैठे हैं अभी डॉक्टर साहब, अभी थोड़ा ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पे पेन हो रही थी काफ़ी देर से, तो ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया और जिसकी वजह से मैं डर गया था, जिसकी वजह से मैं अभी यहाँ पे आया। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है तो हम लेट में यहाँ। ये भाई चेक करें, वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है जी उधर। कैसा लगा मेरा मजाक? क्लिनिक से और दांतों की फीलिंग भी हो गई है, थोड़ी जो पेन थी वो भी पेन क्लियर हो गई है, और दूसरी बात चीज़ है कि भाई दांतों की जो क्लीनिंग है ना मैंने वो भी करवा ली है, फीलिंग भी करवा ली है और दांतों की क्लीनिंग भी करवा ली है। खैर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस क्लिनिक का। ओडेक क्लिनिक है जी सदरदार में, और माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा भाई मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इतने चार्जेस नहीं, बस चार्जेस थोड़े से हैं, लेकिन कोई मसला नहीं। अभी यहाँ पर मैंने लेके आना अब्बा जी को, अब्बा जी की मैंने लगवानी है प्लेट्स सारी ऊपर नीचे, और उसके लिए पहले करवाना पड़ेगा एक्सरे। अब्बा जी काबू नहीं आ रहे, तो पहले अब्बा जी को करना पड़ेगा काबू, फिर अब्बा जी को करवाएंगे हम एक्सरे।